Good morning, everyone. Welcome to our new vlog. Welcome to the beach is mine. क्या लगा? मड पैक लगा लिया. कौन लगाया? जब इंसान लोग लगा सकते हैं. Why should humans have all the fun? हाँ एंजल, ऐसा है. Special mud pack. अब ये बिफोर है, आफ्टर देखिएगा. ये खूबसूरत परी उभर के आएगी. जब आवा हमारी एंजल को देखिए आप. क्या है ये? हाँ, ज़ूटोपिया में एक वो कैरेक्टर उसके जैसे लग रही है. नाई नाई हो रहा है, नाई नाई हो रहा है, गोरी गोरी बन रही है. फेस्टिव टाइम है ना एंजल. बाबरी, चलो नौ नौ कराते हैं. अच्छा अच्छा, वाओ. एंजल को देखिए आप, कहाँ सो रही हो. कितनी प्यारी. अब इसको उठाने का मन नहीं करेगा मुझे. ओ मैं भाग उठ गई. एंजल मेरे को गद्दा उठाना है. बाबू तुमको नींद आ रहा है. मैं गद्दा ऊपर रख देती हूँ, फिर तुम सो जाना. कामा गनी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. वेलकम टू द दीची व्लॉग्स. तो आज है धनतेरस, तो आप सबको एक को दीची फैमिली की ओर से शुभ धनतेरस. हैप्पी धनतेरस. हैप्पी धनतेरस. ये रही हमारी एंजल. चल एंजल, किसको देख रही बाबू? अब अभी भी नींद आ रहा तुमको? नहीं नहीं, अभी तो फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है एंजल को, है ना. तो हम जा रहे हैं अभी शॉपिंग करने के लिए. धनतेरस के लिए हम लोग को जो सामान लेकर के आना है वो लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग. और फिर शाम को हम लोग पूजा करेंगे. तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, शाम तक आपको और भी मज़ा आने वाला है. हम लोगों ने लाइटिंग्स भी लगवा दिए. आप जाकर के एक छोटा सा झलक देखिए जो हम लोगों ने लाइटिंग लगवाया है उसका. आप झलक अभी देखिए, फिर मैं आपको सीधे मिलती हूँ शाम को. तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में. अगर आप नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अभी बहुत सारे ब्लॉग्स आने बाकी है और बहुत सारे हमने ब्लॉग्स और शॉर्ट्स भी अपलोड किए, तो आप वो सब भी जा करके देख सकते हैं. चलिए मैं आती हूँ बाजार जा करके शॉपिंग करके, फिर मैं मिलती हूँ आपसे. मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है. एक मेरे को ये अच्छा लगा है, तब मैं तेरे को दिखाती हूँ. जरा कौन सा, कहाँ गया वो? ये रहा. ये अच्छा लगा. जोड़ी आएगा कि ये? जोड़ी 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 450 का जोड़ी. अच्छा, नहीं देखी मैं. नहीं, ये वाला
हमारा कैंडल कैंडल टाइप का। हाँ देखो इसमें और दिया नहीं है। लग रही है लाइटिंग। एंजल से शुरुआत करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि हम लगा रहे हैं लाइटिंग। अंकल हम लोग को हेल्प कर दे रहे हैं अच्छा से लाइटिंग लगाने में, वरना हम लोग से तो होता ही नहीं। तो ऑल थैंक्स टू अंकल जो इतना अच्छे से लगा दे रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग का दिखा दिया, फुल नहीं दिखाऊंगी कि और कैसा कैसा क्या क्या लाइटिंग लगेगा, तो आपको उसके लिए ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो इतना सा मैं आपको दिखा दी हूँ। और वो देखिए अपना टॉय लेकर के आ रही है। हाँ एंजल के साथ खेलेंगे हम लोग, ये काम हम लोग को करना है, लेकिन फिर भी हम लोग खेलेंगे एंजल के साथ। अब एंजल का खेल देख लीजिए, वो खेलती है। तो मैं आपको पूरा बाद में दिखाऊंगी फाइनल लुक जब पूरा लाइटिंग लग जाएगा। तो बने रही हमारे ब्लॉग में। तो अभी मम्मी बना रहे हैं मूंग दाल मावा बर्फी। ये हमने ओवरनाइट सोक किया था और इसका पेस्ट बना लिया है मम्मी ने, और हम लोग इसको घी में सेक करके अच्छा से बनाएंगे। वैसे मैंने इसका वीडियो शॉर्ट्स में डाल दिया है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं वापस से आपके लिए शॉर्ट्स डाल दूंगी, तो आप उसमें जा करके देख लीजिएगा मम्मी ने कैसे बनाया था। मम्मी ने मूंग दाल सेकना चालू कर दिया है। हमने पहले कढ़ाई में घी डाला है, फिर उसमें थोड़ा सा हमने बेसन डाला है। बेसन इसलिए कि वो जलता नहीं है, जो मूंग दाल का पेस्ट रहता है वो तुरंत से चिपकता नहीं है। तो हम लोग पहले बेसन डालते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग रोस्ट करते हैं और फिर मूंग दाल का पेस्ट डाल देते हैं। तो अभी हम लोग को भूनते हुए इसको सिर्फ एक 5-7 मिनट हुआ है, वो जल्दी से मतलब जो पेस्ट रहता है वो ऐसा फॉर्म हो जाता है। अभी बहुत सेकना बाकी है और इसके साथ में मावा भी जाएगा। तो मैं आपको डिटेल में तो इसका रेसिपी नहीं बता रही हूँ, अगर आपको डिटेल में रेसिपी चाहिए कि हम लोग किस तरह से मूंग दाल मावा बर्फी बनाते हैं, तो आप मुझे कमेंट से बता दीजिएगा, मैं आपके लिए एक ब्लॉग अलग से सिर्फ बर्फी का बना दूँगी। तो मम्मी ने अच्छा से मूंग दाल को सेक लिया है, अब इसमें हम मावा डाल रहे हैं। और ये घर का बना मावा है, इसका मैंने वीडियो डाल दिया है, तो आप जा कर के शॉर्ट्स में देख लीजिएगा कि क्या प्रोसेस से हमने ये मावा बनाया है। ये बिल्कुल घर का बनाया हुआ है, इसलिए इतना अच्छा डार्क ब्राउन कलर आ रहा है। मैं आपको एक बार क्लोजली दिखा देती हूँ हाथ में लेकर के भी, बहुत अच्छा मावा आया है, ये डार्क ब्राउन कलर का है। और प्रोसेस मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाला है, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। अब ये मावा हम लोग इसमें मिक्स करके थोड़ा और सेकेंगे ताकि मावा भी सिक जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल मावा कच्चा है। तो अभी मम्मी ने मावा डाल दिया है और मावा डाल के भी इसको सेकना है ताकि ये दोनों एक साथ अच्छा से कंबाइन हो जाए। तो अभी ये प्रोसेस होगा और उसके बाद में बनेगा चीनी का चाशनी, जो कि इसमें जब ये अच्छा से सिक जाएगा तब हम लोग इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स और चीनी का चाशनी डालेंगे। तो ये है चाशनी रेडी। इसके लिए हम लोग को 2 तार की चाशनी चाहिए रहती है। तो मम्मी ने चाशनी रेडी कर दिया है और ये मावा और मूंग दाल का जो पेस्ट मम्मी ने बनाया था उसको अच्छा से सेक लिया है। ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं मम्मी ने इसमें। अब इसको हम चाशनी में मिक्स करके अच्छा से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग इसको सेट कर देंगे थाली में, परात में, या आपके पास कोई मोल्ड है तो उसमें भी सेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा, फिर हम लोग करेंगे धनतेरस का पूजा। मावा बर्फी बनके रेडी है। अभी ये थोड़ा सा गीला है, इसलिए हम इसको बर्फी का शेप नहीं देंगे, ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, मतलब जो चाशनी है इसकी टाइट हो जाएगी, तो हम लोग इसको बर्फी का शेप दे देंगे। देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम लोग इसको दिवाली के दिन गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगवान जी सबको इसको भोग लगाएंगे और फिर हम लोग खाएंगे। तो हम लोग का में पूड़ी और चक्की का मेन भोग लगता है।
यम देवता की जय हो, कुबेर देवता की जय हो, हर हर महादेव। ये एंजलों को देखो, वहां पे लग रहा है तिलक नेहा को तो ये एकदम गौर से देख रही है। हाँ मम्मी, जय हो। तो हम लोगों ने धनतेरस की पूजा कर ली है और मुहूर्त पे कर लिए, तो इस चीज का बहुत अच्छा है कि धनतेरस का पूजा सही से हो गया है माता रानी के आशीर्वाद से। तो पूजा वगैरह हो गया, हमने दिया भी लगा दिया, अभी बाकी है थोड़ा बहुत कल का तैयारी। चक्की का तो आपने देख लिया, मतलब मूंग दाल की बर्फी जो मम्मी ने बनाया वो आपने देख लिया, मावा मूंग दाल बर्फी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट कभी कोई ब्लॉग आपके लिए सिर्फ मूंग दाल बर्फी, मावा मूंग दाल बर्फी के का आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये था आज का हमारा धनतेरस का ब्लॉग, जिसमें हमने थोड़ा शॉपिंग किया, हमने थोड़ा मिठाई का शॉपिंग किया और बाकी जो भी हम लोग को सामान लाना था वो लेकर के आए। अब हम लोग कल का पूजा का थोड़ा बहुत और तैयारी कर लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे छोटी दिवाली के ब्लॉग में, तब तो आपको दीदी जी फैमिली की ओर से हैप्पी धनतेरस, शुभ धनतेरस, शुभ धनतेरस, शुभ धनतेरस। तो कल छोटी दिवाली, तब हम आपसे मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तब तक के लिए खमा गणी, जय माता दीदी मती, हैप्पी दिवाली सबको, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एंजल का भी हो गया फेरी देना है, एंजल फेरी लगा रही थी तुम भी तुलसी माता जी को, गुड गर्ल एंजल, बिना बोले बिना ही कर रही थी।